कतर एक सबसे छोटा देश पर सबसे अमीर, वहां का पर पर्सन इनकम अमेरिका से भी दुगना है। सोचिए छोटी सी देश का, इसके पीछे का इतिहास है, कारण है, लॉजिक है, क्योंकि वहां पर कुदरत का दिया हुआ पेट्रोलियम पदार्थ और सबसे बड़ी बात गैसेस का भंडार है, इसलिए वह देश इतना अमीर हो सका। और फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन मिलना भी एक विवादों से भरा इतिहास है। खैर छोड़िए, कुवैत नहीं, कतर ने 17 लाख करोड़ रुपया इंडियन रुपी खर्च किया इस वर्ल्ड कप में, अब तक का सबसे बड़ा खर्च फीफा वर्ल्ड कप इतिहास। फीफा वर्ल्ड कप 1930 से शुरू हुआ, और फीफा वर्ल्ड कप कौन खेलते हैं? ज्यादातर लेटिन अमेरिकन देश और यूरोपियन देश। और कहाँ आयोजन हो रहा है? कतर, एक इस्लामिक देश। खैर उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बनाए, मेट्रो ट्रेन बनाए और आयोजन कर रहा है। 32 टीमें वहां खेल रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, कतर जिस ग्रुप में है उसमें उसे 3 मैच खेलना है, जिसमें 2 मैच वो हार चुका है, वो आउट ऑफ वर्ल्ड कप हो गया। और वहां से जो खबरें आ रही है बड़ा रोचक है, इस्लाम का देश है, इस्लामिक परंपरा वहां चलती है, तो वहां पे स्टेडियम में आप बियर नहीं पी सकते, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते, ट्रांसपेरेंट कपड़े नहीं पहन सकते, मनाही है। और वहां पे इन इन पाबंदियों के सिवा से खेला जा रहा है वो मैच, बट अच्छा आयोजन चल रहा है और बड़े मजेदार मजेदार रोचक बातें आ रहा है। वहां के जो पत्रकार इटली वगैरह के जो जाते हैं अर्जेंटीना के, ब्राजील के, यूरोपियन देशों को, तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे न्यूज भेज रहे हैं कि क्या क्या हमें पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। आपको बताया वहां खुलेआम कुछ नहीं कर सकते, घुटने तक के कपड़े, घुटने से ऊपर के कपड़े नहीं पहन सकते, सर ढका होना चाहिए, ऐसी पाबंदी इस्लामिक कंट्री है, वहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है और काफी शानदार ढंग से चल रहा है। तो आप भी टीवी पे या इस पे देखिए और इंजॉय कीजिए। कतर बहुत ही अमीर देश है, वहां के शेख लोग, वहां के जो अमीर लोग हैं, वहां के बच्चे स्पोर्ट कार में सड़कों पे सुबह सुबह सैर करने जाते हैं, इतने अमीर है वहां। 99% लोग अमीर है ना, गजब की बात। उस देश के बारे में जानिए और टीवी पे फुटबॉल के बारे में जानिए, रिजल्ट देखिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।